नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ JVN डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई डिजिटल क्लास BSc BEd ZVC 8th सेमेस्टर। वी विल डिस्कस द टॉपिक फॉर्म्स ऑफ DNA। DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ DNA। न्यूक्लिक एसिड्स आर एनी ग्रुप ऑफ लॉन्ग लैनर मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टिंग ऑल सेलुलर फंक्शंस कंपोज्ड ऑफ लिंक्ड न्यूक्लियोटाइड्स। राइट, टू टाइप्स DNA एंड RNA। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड एक्सट्रीमली लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड एज डबल हेलिक्स दैट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द क्रोमोसोम एंड दैट कैरीज द जीन एज सेगमेंट्स अलोंग इट्स स्ट्रैंड्स। राइट, DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स, 5 प्राइमरी एंड 3 प्राइमरी एंड्स, बेस पेयर्स एंड बैकबोन, फॉस्फेट शुगर बैकबोन, बेस पेयर प्यूरीन एंड पिरिमिडीन बेस पेयर्स शोन दिस डायग्राम। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स, वेरिएशन इन DNA, मोस्ट ऑफ द DNA इज इन द क्लासिक वॉटसन क्रिक मॉडल सिंपली कॉल्ड BDNA और बी फॉर्म DNA। इन सर्टेन कंडीशंस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ DNAs आर फाउंड टू बी अपीयर्ड लाइक ADNA, ZDNA, cDNA, dDNA एंड eDNA। दिस डेविएशन इन फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ DNA, एक्सरे एनालिसिस ऑफ DNA क्रिस्टल्स एट एटॉमिक रेजोल्यूशन हैव रिवील्ड दैट DNA एक्सहिबिट्स मच मोर स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी देन फॉर्मली इनवाइज्ड। सच वेरिएशंस आर BDNA, ADNA, ZDNA, cDNA एंड dDNA, लास्ट eDNA। ओके, दिस डायग्राम शोन द फॉर्म्स ऑफ DNA एंड स्ट्रक्चरल ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA और वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ DNA। डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ DNA इज सेपरेटली। BDNA डिस्क्राइब्ड बाई जेम्स डी वॉटसन एंड क्रिक, कॉमनली फाउंड इन DNA। DNA मॉलिक्यूल्स कॉन्सिस्ट ऑफ 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चैन कॉल्ड अराउंड कॉमन एक्सिस। राइट, 2 हेलिकल्स आर वाउंड इन सच अ वे सो एज टू प्रोड्यूस 2 इंटरचैन स्पेसिंग आर ग्रूव। फर्स्ट ग्रूव इज मेजर आर वाइड ग्रूव विद 12 एंगस्ट्रॉम एंड डेप्थ 8.5 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड ग्रूव माइनर आर नैरो ग्रूव विद 6 एंगस्ट्रॉम एंड डेप्थ 7.5 एंगस्ट्रॉम। दीज ग्रूव्स प्रोवाइड्स सरफेस विद विच प्रोटीन्स, केमिकल्स, ड्रग्स कैन इंट्रैक्ट। राइट, स्ट्रक्चर ऑफ VDNA और कॉमन DNA। टू हेलिकल वाइंड अलोंग द मॉलिक्यूल्स, टू चैन रन इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर एंटी पैरेलल, द प्लेन ऑफ वेस आर परपेंडिकुलर टू हेलिक्स एक्सिस। राइट हैंडेड ट्विस्टिंग, यूनिफॉर्म डायमीटर्स, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, बेस पेयर पर टर्न इज 10.4 एंड प्राइस पर बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम।
नेक्स्ट एडीएनए, एडीएनए इज वन ऑफ द पॉसिबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स विच डीएनए कैन अडॉप्ट अलोंग विद अदर टू बायोलॉजिकली एक्टिव हेलिक्स स्ट्रक्चर्स वीडीएनए एंड जेडीएनए। राइट हैंडेड डबल हेलिक्स शॉर्ट एंड फैट कंपेयर्ड टू बीडीएनए occurs only in dehydrated sample of DNA such those used in crystallographic experiments, right? ADNA was originally identified by X-ray diffraction analysis of DNA fibers. The grooves are not as deep in BDNA. The base more than tilted to 20 angstrom. The base pair per turn is 11 and rise per base pair is 2.3 angstrom. Right? Structure of ADNA. Next DNA, Z-DNA. One of the many possible DNA double helix structure, left-handed double helix structure, winds to left in zigzag manner. So they are termed as Z-DNA, discovered by Rich, Northam and Wang in 1984. It has anti-parallel strands as V-DNA. It is long and thin as compared to V-DNA. ओके, रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स, एडजेसेंट शुगर हैव अल्टरनेटिंग ओरिएंटेशंस इन जेडीएनए, प्यूरीन पिरिमिडीन ओनली वन डीप हेलिकल ग्रुप्स, दे आर 12 पेयर्स पर टर्न विच एक्सेल राइज 3.8 एंगस्ट्रॉम एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट 60 डिग्री। डायग्राम सीन दिस प्लेट्स जिगजैग डीएनए आर जेड डीएनए। नेक्स्ट सीडीएनए, सीडीएनए फॉर्म्ड एट 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन प्रेजेंस ऑफ lithium or magnesium. Right-handed with axial rise of 3.32 angstrom per base pairs, 9.33 base pairs per turn. Okay, base pair rotation 38.58 degree. Right? See in this plates, the diagram show cDNA. Next, ddNA, extremely rare variant with only 8 base pair per helical turns. This form of DNA found in some DNA molecules devoid of guanine. Axial rise of 3.03 angstrom per base pair, tilt of 16.7 from axial of helix, actually two different forms of ddNA. ddNA, ddNA take parts in DAB transition and second ddNA associated with DB change of conformation. Two DNA structures have same helical parameters, right? DDNA seen a structure devoid of guanine. Next DNA, eDNA, cytosine methylene of DNA sequence. eDNA has a long helical axis, rise and base perpendicular
to the helical axis. Deep major groove and shallow minor groove. EDNA allowed to crystallize for the period time longer. Right? EDNA is the intermediate in the transition to ADNA. EDNA is the intermediate in the crystallographic pathway from BDNA to ADNA. Seen the EDNA. Thank you.